सो मार्वल की मूवीज कौन नहीं देखता है। एंड आज के टाइम पे तो भाई जिस तरीके से मार्वल ने कमबैक करा है उसके बाद से जो पुराने फैंस थे वो भी जग चुके हैं। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद आप लोग को भाई एमसीयू के अंदर कौन कौन सी मूवीज देखने को मिलेंगी उन सभी की बात इस वीडियो के अंदर करेंगे विद उनकी रिलीज डेट। लेकिन इसी के साथ ही मार्वल से एसोसिएट होकर और भी जो अदर कंटेंट आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर सपोर्ट। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया एमसीयू की इस साल की जो मूवी रिलीज होनी थी वो रिलीज हो चुकी है, जिसके अंदर जो आखिरी लाइक मूवी थी वो यही अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन थी। बट सोनी पिक्चर्स लेकर आ रहा है दो और मूवीज इसी साल जो कि आप लोगों को मार्वल कॉमिक्स से देखने को मिलेंगी, जिनमें से जो सबसे पहली मूवी है उसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। ये वेनम का थर्ड पार्ट रहने वाला है एंड स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद भाई ऑडियंस जो है वो वेनम के कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई सोनी पिक्चर्स आगे अब इसका क्या करने वाला है। तो इसका जो आंसर है आप लोग को 25th October 2024 को ही मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो मूवी आप लोग को थिएटर्स के अंदर हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। सो बात करें अगली मूवी की तो ये भी मार्वल कॉमिक्स से आती है, मूवी का नाम है क्रेवन द हंटर। एंड सोनी पिक्चर्स जो अपना एक नया यूनिवर्स बना रहा है ये मूवी उसी का पार्ट है। पहले इस मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट अभी करंटली जब इसका मैंने ट्रेलर देखा है तो मेरे को मूवी प्रॉमिसिंग लग रही है। ये मूवी भी आप लोग को इंडिया के अंदर थिएटर में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी एंड इसका जो रिलीज डेट है आप लोग को 13th December 2024 का देखने को मिलेगा। सो बात करें नेक्स्ट मूवी की तो उसका नाम है भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड ये प्रॉपर एमसीयू की मूवी है। एंड अभी इसके कुछ टीजर ट्रेलर्स आए हैं जिससे कि लग रहा है कि हाँ मूवी तगड़े लाइक तरीके से बनाई गई है। रेड हल्क भी आप लोग को इस मूवी के अंदर लाइक अपना डेब्यू करता हुआ देखने को मिलेगा। मूवी की जो रिलीज डेट है वो आप लोग को 14th February 2025 की देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ इस मूवी को लेकर ऑडियंस के बीच में थोड़ी सी मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं, बाकी देखते हैं जब इसका एक प्रॉपर ट्रेलर आएगा तब पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअली हम लोग को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। सो बात करें नेक्स्ट मूवी की तो उसका नाम है भाई थंडर बोल्ट्स, जिसका लाइक काफी टाइम से ऑडियंस वेट कर रही है क्योंकि इस मूवी को आप लोग लाइक एमसीयू का सुसाइड स्क्वाड बोल सकते हो। एज ऑफ नाउ इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो 2 मई 2025 की बताई जा रही है बट अभी इसके ऊपर कंडीशंस काफी ज्यादा हैं तो इसकी रिलीज डेट आप लोग को आगे चेंज होती हुई भी देखने को मिल सकती है। सो बात करें नेक्स्ट मूवी की तो उसका नाम है भाई फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। एंड मैं पर्सनली इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज यहाँ से फैंटास्टिक फोर फ्रेंचाइजी का फिर से रिबूट हो रहा है एंड इस बार एक प्रॉपर मैनर में भाई एमसीयू इस मूवी को लेकर आ रहा है जहाँ पे आप लोगों को क्लासिक टच जो है वो देखने को मिलेगा। इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो 25th July 2025 की रखी गई है एंड इससे मार्वल को एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है बिकॉज एज ऑफ नाउ अभी तक जितना भी हम लोग को फैंटास्टिक फोर का कंटेंट देखने को मिला है वो बिलो एवरेज ही रहा है। सो बात करें नेक्स्ट मूवी की तो उसका नाम है ब्लेड एंड ये मूवी भाई एमसीयू के गले की हड्डी बन चुकी है क्योंकि जब से इसके अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से मूवी सिर्फ डिले हुई है एंड पहले बताया गया था कि 2024 तक ये मूवी आराम से अपना डेब्यू कर लेगी बट एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग 7 नवंबर 2025 की इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है। तो अगर सब कुछ सही रहा देन आप लोग को भाई 2025 के लास्ट क्वार्टर में आराम से मूवी देखने को मिल जाएगी। बट जिस तरीके का इस मूवी का पास्ट रहा है कोई भी आप लोग को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर फिर से इसकी रिलीज डेट मार्वल जो है वो चेंज कर दे। सो बात करें नेक्स्ट मूवी की तो उसका नाम है भाई एवेंजर्स डूम्सडे एंड इसकी रिसेंटली में ही अनाउंसमेंट करी गई जिसके अंदर आप लोग को डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। एंड आई थिंक फेज 5 एंड फेज 6 में जितनी भी मूवीज आ रही है उनको आप लोग एक तरफ रख सकते हो एंड इस मूवी का बस एक तरफ रहेगा क्योंकि इसके अंदर आप लोग को जो विलन है वो काफी सॉलिड देखने को मिलने वाला है। हालांकि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आप लोगों को कुछ और मूवीज देखने को मिलेंगी बट उनकी अभी लाइक रिलीज डेट आनी बाकी है, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि हम लोग को कुछ और तगड़ा कंटेंट डेफिनेटली मार्वल इस मूवी से पहले प्रेजेंट करने वाला है जिसके अंदर स्पाइडरमैन 4 मूवी की भी बात चल रही है। सो स्पाइडरमैन 4 के ऊपर अभी हम लोग आएंगे लेकिन उससे पहले बात कर लें एक अगली मूवी की जिसकी रिलीज डेट कंफर्म है, उसका नाम है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। इस मूवी का नाम नहीं चेंज करा गया है लेकिन इसकी रिलीज डेट डेफिनेटली चेंज करी गई है। ये मूवी आप लोग को 7th May 2027 को देखने को मिलेगी एंड मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मार्वल का रिकॉर्ड रहा है इसकी रिलीज डेट में आप लोगों को कुछ और आगे लाइक फ्लक्चुएशन देखने को मिलने वाली है बट अभी घंटे तो मार्वल ने बोल दिया कि 7 मई 2027 को लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को वो लोग रिलीज कर दें। अच्छा अब अगर बात कर लें उन मूवीज की जो कि आप लोग को भाई देखने को तो मिलेंगी फेज 5 एंड फेज 6 में लेकिन उनकी रिलीज डेट एज ऑफ नाउ लाइक आउट नहीं हुई है, तो उसमें जो सबसे पहला नाम सामने निकल कर आता है वो है आर्मर वॉर्स का। ये मूवी पहले एक सीरीज होने वाली थी लेकिन इसको मूवी के अंदर कन्वर्ट करा गया था, काफी सारे डिलेज इस मूवी ने भी फेस करे हैं एंड एज ऑफ नाउ बताया जा रहा है कि 2026 से पहले ये मूवी आप लोग को देखने को नहीं मिल पाएगी। बात करें अगली मूवी की तो होने वाली है भाई स्पाइडरमैन की नई ट्रिलॉजी जिसके अंदर आप लोग को टॉम हॉलैंड फिर से लाइक रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगे। ये मूवी पहले एक्सपेक्टेड थी कि आप लोग को भाई 2025 के अंदर देखने को मिल जाए बट एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स हैं रिकॉर्डिंग 2025 में अब इसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं। ये मूवी आप लोग को 2026 से पहले देखने को नहीं मिल पाएगी।
सो एज ऑफ नो चांसेस हाई रहेंगे कि आप लोग को एवेंजर्स डूम्सडे से पहले ये जो मूवी वो देखने को मिल जाए, अगर स्पाइडरमैन का लाइक एक क्रूशियल रोल रहता है उस मूवी के अंदर, अदरवाइज फिर आप लोग को ये मूवी डूम्सडे के बाद भी देखने को मिल सकती है। तो अभी इसकी रिलीज डेट के ऊपर काफी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, तो जैसे हमको इन फ्यूचर कुछ भी पता चलेगा देन वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड इसके अलावा शांग-ची का भी सेकंड पार्ट है जो कि करंटली डेवलपिंग फेज में है, तो ये मूवी भी आप लोग को भाई 2026 के अंदर ही देखने को मिल पाएगी। एंड इसकी भी रिलीज डेट की अभी सिर्फ लाइक रूमर्स ही आए हैं, जिसे आगे हमको और कन्फर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन 2025 के अंदर आप लोग को शांग-ची का सेकंड पार्ट भी देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऑलरेडी मार्वल की जो स्लेट है वो 2025 के लिए फिक्स हो चुकी है। इसके अलावा मार्वल की कुछ आप लोग को टीवी सीरीज भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी, जिसमें एगाथा की जो नई सीरीज आ रही है वो आप लोग को 18th ऑफ सितंबर से लाइक प्रीमियर करती हुई देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस के ऊपर। एंड इसी के साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन आप लोग को नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ से प्रीमियर करती हुई देखने को मिलेगी। ये दो शो काफी बड़े हैं, इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ और शोज देखने को मिलते रहेंगे, सो उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोग को आने वाले टाइम में बताता रहूंगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।